भाजपा ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में विस्तारक योजना पूर्ण होने के बाद अब संगठन को मजबूत करने के लिए महिला मोर्चा को और अधिक मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। देहरा भाजपा महिला मोर्चा ने हरिपुर में देहरा महिला मोर्चा की अध्यक्षा रूबीना चौधरी की अध्यक्षता में बैठक की। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष निर्मल सिंह मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देहरा भाजपा महिला मोर्चा सशक्त होकर संगठन की मजबूती के लिए दिन रात काम कर रही है। बैठक की जानकारी देते हुए अध्यक्षा रूबीना चौधरी ने बताया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तथा देहरा के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि के निर्देश के अनुसार देहरा महिला मोर्चा हर बूथ पर 20 महिलाओं को अपने साथ जोड़कर संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए बैठक पार्टी के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के साथ रखी गई थी। नमस्कार जी। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो आपकी बैठक थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आज की मुख्य इस बैठक का उद्देश्य था, एक एक बूथ पे हमने 20-20 लेडीज का संगठन करना है, अपने महिला मोर्चा की टीम को मजबूत करना है। तो हमने इस कार्यक्रम रखा था, हमारे साथ जो भी मेरी कार्यकर्णी है सभी इकट्ठी है, वो अपनी टीम लेके घर घर जाएंगी और एक एक बूथ पे 20-20 लेडीज बनाएंगी। मैडम जी, कितनी पंचायतों को लेकर ये बैठक थी? ये मेरी 10 पंचायतों की बैठक थी, इसमें अपनी कार्यकर्णी बुलाई थी मैंने देहरा मंडल की। ठीक है, धन्यवाद जी। जय हिंद जी। बैठक में उपस्थित भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर सुकृत सागर ने कहा कि संगठन तथा समाज के लिए महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है तथा शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के अनुसार देहरा में महिला मोर्चा को और अधिक मजबूत करने की कवायद शुरू की गई है। आज महिला मोर्चा मंडल देहरा की पदाधिकारियों की बैठक यहां हरिपुर में हुई है, जिसमें हमारी जो स्थानीय पंचायतें हैं यहाँ की, इससे महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश हैं कि हर बूथ पे 20 महिलाएं जो जोड़ी जाएं। इसके लिए यहाँ पे हमारी मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्षा रूबीना चौधरी जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं को सशक्त करने के लिए शुरू से ही निश्चय रहा है और समाज के लिए और संगठन के लिए महिलाओं का सशक्त होना बहुत ही जरूरी है। इसी के लिए ये सारी आज बैठक यहाँ की गई थी कि सारी स्ट्रेटजी बनाई जाए, किस तरह से बूथ स्तर पे हम 20-20 महिलाओं को जोड़ सकें और हम सभी जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं सारे के सारे महिला मोर्चा का सहयोग करेंगे, हर बूथ पे 20-20 या इससे अधिक महिलाएं जोड़ें, उन्हीं की प्रभारियों की नियुक्ति के लिए और आगे जिम्मेवारियां देने के लिए आज की ये बैठक रखी गई थी, जो कि सफलतापूर्वक आज यहाँ हरिपुर में संपन्न हुई है।